स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आप सब हमें कमेंट करके बताएं किस कंपनी का स्टॉक आपके पास है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,45,855 करोड़ का है। इसका करंट शेयर प्राइस 223.11 रुपीज़ है और 52 वीक का इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस 233.20 रुपीज़ है। बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 14.17% की है, जो कि लगातार 4 क्वार्टर से कम होती हुई दिख रही है। म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग 10.26% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 16.93% की है, जो कि 3 क्वार्टर से कम होती हुई दिख रही है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 51.9% की है और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 6.75% की है। बात कर लेते हैं कंपनी में फंडामेंटल्स के बारे में। इसका पीई रेशियो 14.73 है और जो इस सेक्टर का पीई रेशियो है वो 18.52 है। पीवी रेशियो 2.22 है। आरओई 9.53% है। आरओसीई 10.46% है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है और इसका डिविडेंड यील्ड 2.25% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.26 है। जान लेते हैं कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में। सबसे पहले इसकी ईयर वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। 2023 में कंपनी को 5,596 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2024 में कंपनी को 9,903 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। बात करें इसकी क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो मार्च 2023 में कंपनी को 643 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि मार्च 2024 में कंपनी को 2,474 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है। जान लेते हैं शेयर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। 2001 से अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को 2,644% का रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी ने 128% का रिटर्न दिया है। 1 साल में कंपनी ने 105% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने 39% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को 7% का रिटर्न दिया है। तो आप सब ने गेल इंडिया लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देख लिए हैं। कंपनी में हमें हर तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का पीई रेशियो लो है। कंपनी अपने निवेशकों को बहुत ही अच्छा डिविडेंड दे रही है। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी लो है। बात करें कंपनी में प्रॉफिट और लॉस की, तो कंपनी ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज दोनों में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसके अलावा 1 ईयर से कंपनी अपने निवेशकों को रिटर्न भी अच्छा दे रही है। बाकी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें और खुद भी अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।